मैं सतन चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एशियन गेम्स 2023 चालू हो गए हैं और जो एशियन गेम्स से संबंधित है जो भी कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है और किस प्रकार से वन डे एग्जाम को क्वालिफाई करना है या किस प्रकार से जोड़ के क्वेश्चनों को पढ़ना है मैं आज आपको बताऊंगा, तो ये मेरी जीके की पहली क्लास है तो इसको पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन गेम्स 2023 का आयोजन जो है इससे संबंधित क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एशियन गेम्स 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, अभी फिलहाल जो आयोजित हुआ है तो ये अभी जो हुआ है ये कहाँ हुआ और कब हुआ, तो एशियन गेम्स 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, तो ये 19वां संस्करण है जो कि हांगझोउ में हुआ है और हांगझोउ कहाँ है, हांगझोउ चीन में है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे किस प्रकार से जोड़ के करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी प्रकार आगे बढ़े। एशियन गेम 2023 का कौन सा संस्करण है, 19वां। अब एशियन गेम्स क्या है, एशियन गेम्स हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है, ठीक है, तो इससे जोड़ के क्वेश्चन पढ़ना है अपन को, तो 4 साल में एक बार एशियन गेम का आयोजन किया जाता है। आप नोट्स बनाते जाइए अपनी कॉपी में और लिखते जाइए। सेकेंड क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हांगझोउ चीन में, ठीक है ना, हांगझोउ चीन में 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। अब देखिए ये चीन में हो रहे हैं गेम्स, तो चीन में एशियन गेम्स और पहले कितनी बार हो चुके हैं, तो चीन में तीसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है, मतलब 2 बार और पहले हो चुके हैं, टोटल तीसरी बार हो रहा है, तो 1990 में हुआ था, 2010 में हुए थे, फिर 2023 अभी हो रहे हैं, 2023 में हो रहे हैं, ये 2022 सितंबर से होने थे लेकिन कोविड-19 के कारण 2023 में चीन में हो रहे हैं। 18वां एशियन गेम्स जो है का आयोजन कब हुआ था, 18वां एशियन गेम्स जो हुआ था, 18वां एशियन गेम्स 2018 को इंडोनेशिया के दो शहर, एक जकार्ता और एक पालेमबांग, जकार्ता और पालेमबांग में हुआ था। तो अब इस प्रकार जैसे ये अगर 19वें एशियन गेम्स का पूछा तो 19 की जगह 18वां पूछ सकता है कि 18वें एशियन गेम्स जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2018 को इंडोनेशिया के दो शहर, एक जकार्ता और एक पालेमबांग, इसमें हुआ था 2018 में 18वां एशियन गेम्स। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि यहाँ 18 है तो 2018, अब ये 18 है 2018, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो इसका शुभंकर है चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियन, ठीक है, चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियन, ये तीन हैं, तो इनका जो इमेज में चित्र दिख रहा होगा इस प्रकार है ये, और इन तीनों शुभंकर को मेमोरीज ऑफ जियांग गन नाम दिया गया, ये चीनी नाम है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे, तो एक दो बार लिख के याद कर लीजिएगा कि 19वें एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, तो चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियन थ्री हैं, तो इन तीनों शुभंकर को मेमोरीज ऑफ ली जियांग गन नाम दिया गया, ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के 19वें संस्करण 2023 का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया, ये भी आईएमपी क्वेश्चनों में है, एशियन गेम्स के 19वें संस्करण 2023, मैं 2023 बार बार इसलिए लिख देता हूं कि आपको अगर 19वें संस्करण का आए तो कम से कम इतना याद हो जाए कि 2023 में हुआ था। 19वें संस्करण 2023 का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया, तो ये चीन के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने 23 सितंबर 2023 को चीन के हांगझोउ शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम है ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में उद्घाटन किया। अब इससे जुड़ते हुए कैसे सवाल याद रख सकते हैं कि चीन की राष्ट्रपति जो है ये सी जिनपिंग है, चीन के राष्ट्रपति, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा युआन और चीन से संबंधित
किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है वो आप इसके जब भी नोट्स बनाए उसमें किनारे साइड को आप खंड बना के लिख सकते हैं कि चीन की मुद्रा या चीन किस चीज में आगे है, इससे को लेकर के आप लिख सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए संबंधित तीन चार क्वेश्चन आप किनारे लिख करके याद करें, यही जीनियस की एक कला है। तो ये क्वेश्चन हो गए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, तो भारत के ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और एक लवलीना बोरगोहन। ठीक है, अब जोड़ के कैसे पढ़ना है, हरमनप्रीत सिंह कहाँ के हैं? अमृतसर पंजाब के हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और लवलीना बोरगोहन कौन है? भारतीय मुक्केबाजी। ठीक है ना, तो ये मुक्केबाजी करते हैं। ठीक, अब जैसे अमृतसर है पंजाब, पंजाब में अमृतसर, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, सीएम श्री भगवंत मान जी, ये आप आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है, कौन सी सीट से लड़े? धुरी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ये सीट तक पूछ लेता है कि भगवंत मान जी कौन सी सीट से लड़े हैं, कौन उनका विधायकी क्षेत्र कौन है, तो धुरी। ठीक है, राज्यपाल कौन है? श्रीमान बनवारी लाल पुरोहित जी। इसी प्रकार ये लवलीना बोरगोहन ये असम की हैं, असम की राजधानी दिसपुर। सीएम कौन है? श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा। अब ये पांचवी बार जलू कबारी सीट से पांचवी बार इनने विधायकी का चुनाव निकाला और वहां के सीएम बने। राज्यपाल कौन है? कौन है? गवर्नर श्रीमान गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। इस प्रकार जोड़ करके आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपकी जो है, आपको इसी जैसे क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन में आपको सीएम साहब भी याद हो जाएंगे, राज्यपाल गवर्नर भी याद हो जाएंगे, और अधिकतर जो है आपको जितने भी इनसे संबंधित क्वेश्चन है मैं ऐसे कराते जाऊंगा तो आपके बहुत अच्छा जीके भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है पुरुष शूटिंग टीम, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष शूटिंग टीम ने जीता है, जिसमें कि तीन लोग थे, रुद्रांश पाटिल ये महाराष्ट्र के ठाणे से हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये एमपी के खरगोन से हैं। ठीक है, और दिव्यांश सिंह पवार ये जयपुर राजस्थान से हैं। तो इस प्रकार से जोड़ के कैसे कर सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? श्रीमान एकनाथ शिंदे जी। ठीक है, अब वहां पे विधानसभा सीटें कितनी है? 288। लोकसभा कितनी है? 48। राज्यसभा कितनी है? 19। इसी प्रकार अगर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का देखें तो एमपी के खरगोन से, तो एमपी के सीएम कौन है? श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी। राज्यपाल कौन है? श्रीमान मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। ठीक है, अब विधानसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 230। लोकसभा कितनी है? 29। राज्यसभा कितनी है? 11। इस प्रकार से कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी लोकसभा सीट से या कौन सी विधानसभा सीट से कौन है, तो ये बहुत क्वेश्चन आए भी हैं पूर्व के पेपरों में कि किस विधानसभा, इन शिवराज सिंह चौहान का संबंध, जो श्रीमान जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है, या फिर जो लोकसभा सीटों में कोई अगर नेता है जो, या मंत्री लोग हैं ये अगर लड़ते हैं तो इनका मंत्री जो है इनका क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आप जोड़ के करके करिएगा, और इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है इस प्रकार से आप इनको ज्यादा हो तो किनारे आप लिख के याद करने के लिए रख सकते हैं, और अपने मन से जो भी है इसके अलावा जो भी आपको लगे कि मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, अब इसी प्रकार राजस्थान का भी देख सकते हैं आप, तो इनमें अलग से जो भी आपको टॉपिक लगे वो किनारे आप लिख लीजिए कि इसमें से ये भी जोड़ के अपन पढ़ लें। तो जरूरी नहीं कर कि आपको ये लोकसभा विधानसभा राज्यसभा सीटें अलग से देखना पड़े, जब एक क्वेश्चन करें तो ये तीन चार क्वेश्चन अलग से साथ में हो गए। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में और बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शूटिंग की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कौन सा मेडल एशियन गेम 2023 में जीता? तो कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल महिला शूटिंग टीम ने। कौन कौन थे? रमिता मेहुली घोष और आशी आशी चौकसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? ठीक है, भारत की ओर से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? तो ये क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है, महिला और पुरुष क्रिकेट टीम को भेजा गया था, भारत ने पहली बार भेजा है, और महिला क्रिकेट टीम ने T20 में श्रीलंका को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। किसने? महिला क्रिकेट टीम ने। तो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। कहाँ की है?
की। इसी प्रकार एशियन गेम्स में क्रिकेट को पहली बार 2010 में शामिल किया गया था। पहली बार जो है 2010 में एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन भारत ने 2023 में महिला और पुरुष क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स में उतारा। एशियन गेम्स में 2023 में भारत ने 40 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 655 खिलाड़ी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 40 खेलों में 655 खिलाड़ियों का दल चीन भेजा था। इस प्रकार से एशियन गेम्स में, जैसे देखिए एशियन गेम्स 2023 में कितने खेलों के लिए भारत ने कितने खिलाड़ियों को चीन भेजा था, तो 40 खेलों के लिए 655 खिलाड़ियों को एक दल बनाया, उसको चीन भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी ये 19वां एशियन गेम्स चल रहा है, अब जो चलेगा वो 20वां एशियन गेम्स चलेगा। तो 20वां एशियन गेम्स फ्यूचर में जो है नागोया जापान में किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? 2026 में। ठीक है, 2026 में किया जाएगा। ठीक, तो इसमें 20वें एशियन गेम्स 2026 में होंगी नागोया जापान में। तो जापान के पीएम कौन है? फुमियो किशिदा। ठीक है, राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। इस प्रकार से कनेक्ट करके क्वेश्चन किए किए जाते हैं। ठीक है, 18वीं एशियन गेम 2018 इंडोनेशिया में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 18वीं एशियन गेम जो है इंडोनेशिया के दो शहर में हुए थे, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 70 पदक जीते थे, जिसमें से 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य पदक थे। टोटल मिला के 70 पदक थे। लास्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई? एशियन गेम्स की शुरुआत जो है 1951 में भारत के नई दिल्ली से हुई थी। भारत में जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। तो एशियन गेम्स जो है भारत में 2 बार हुए हैं। एशियन गेम भारत में 2 बार हुए, पहले 1951 में, दूसरा 1982 में। 1951 में उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनका कार्यकाल कब था? 1950 से 1962 तक। 1982 में आए 7वें राष्ट्रपति भारत के, जो कि 1982 में भारत की नई दिल्ली में एशियन गेम्स हुए। तो 1982 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, जो कि भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, उनने उद्घाटन किया। और इनका कार्यकाल था 1982 से 1987 तक। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार से भारत में 2 बार, एक बार 1951 में, एक बार 1982 में एशियन गेम्स हुए थे। सबसे पहले एशियन गेम्स की शुरुआत भारत से ही हुई थी 1951 में। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया था जो कि मोस्ट आईएमपी है कंपटीशन के लिए, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि एशियन गेम्स का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। फिर से बोल देता हूँ एक बार क्वेश्चन, एशियन गेम्स का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? एशियन ओलंपिक परिषद के द्वारा। एशियन ओलंपिक परिषद जो है उसके द्वारा एशियन गेम का आयोजन किया जाता है। तो एशियन गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, मैंने जो भी क्वेश्चन कराए, अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्थापना कब हुई एशियन ओलंपिक परिषद की? 16 नवंबर 1982 में नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? कुवैत सिटी, कुवैत में। ठीक, सदस्यता 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं इसमें। अध्यक्ष कौन है अभी? शेख तलाल फहद अल सबाह। जुलाई 2023 में बने थे। इस प्रकार से जोड़ करके कनेक्ट करके कोई भी जीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, और अधिक से अधिक इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं, जीके के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, अगर उनको पुनः रिवाइज नहीं करेंगे तो आज नहीं तो एक हफ्ते बाद नहीं तो 15 दिन बाद अपन को वो भूल जाएंगे। इसलिए जो भी जीके क्वेश्चन पढ़ना, तो इस उद्देश्य से पढ़ना कि उसको हमको रिवाइज भी करना है, और रिवाइज के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन करें जीके का, जीके करने के बाद तुरंत उसको अगर हो तो जोड़ के पढ़िएगा। जोड़ के मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर एशियन गेम्स का आयोजन किसके द्वारा, तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। अब इसके इतना बता दिया, अब इसमें आप अपने मन से कुछ भी चीज अगर है जो छूट गई है मेरे से, वो अपने मन से लिख करके किनारे ऐड कर करके क्वेश्चन करिएगा। और क्वेश्चनों को मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जो भी आप जीके पढ़े, जीके को रिवाइज ही करिए। जीके को अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चित ही कुछ समय पश्चात भूल जाएंगे।
और अगर मॉक टेस्ट हो तो कुछ दिन बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो मॉक टेस्ट भी आप लगाइएगा। इसमें आपको जो भी इन फ्यूचर में क्वेश्चन आने वाले हैं या पेपर पेपरों में क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी वो अगर जीए से उठेंगे, जनरल अवेयरनेस से, अगर इससे उठे तो ये हो सकता है कि ये कंप्लीट वीडियो है। और मैं आपको आगे जो पूरा 8 तारीख को हो जाएगा एशियन गेम्स, तो एक पूरा बता दूंगा कि कौन ने कौन से पदक जीते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, जो आगे होने वाले जो भी कंपटीशन कंपटीशन एग्जाम है। तो आप इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।